पूर्णिया शहर के कला भवन सड़क बरसों से जर्जर है। इस मार्ग से जिले के वरीय अधिकारी सहित आमजनों की आवाजाही होती है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान कार्यालय सहित कई विभाग के अधिकारी का आना जाना होता है, जिसको लेकर पूर्णिया के अधिवक्ता गौतम वर्मा व वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने अस्थायी लोक अदालत में IPA दायर किया, जिसे अस्थायी लोक अदालत ने अपने आदेश दिनांक 28/9/2020 में दिया कि अगर नगर आयुक्त 60 दिनों के अंदर सड़क का निर्माण करे, अन्यथा 50,000 प्रति माह की दर से जब तक सड़क निर्माण नहीं हो जाता है, दंड स्वरूप जिला विधि पदाधिकारी जमा करेंगे। उक्त सड़क थाना चौक से आरंभ होकर आरंसा चौक तक मरम्मत को लेकर किया गया था। नगर आयुक्त द्वारा ना तो सड़क निर्माण कराया गया, ना ही दंड स्वरूप रुपया जमा किया गया। तब आवेदक एक्शन पेटिशन दायर किया। इसकी सुनवाई 5/1/21 को सब जज के कोर्ट में हुई, जिसमें उसके गाड़ी और चैम्बर को सीज करने की अपील की गई है। माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है। पूर्णिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त, जो पूर्णिया नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, उस पर कार्रवाई की है। क्या पूरा मामला है, जो इस पूरे मामले को लेके जो वकील हैं, जो PIL दर्ज किए थे, वो हमारे साथ में हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला। सर, क्या मामला था? मामला यह था कि हमारे सहयोगी गौतम वर्मा जी ने एक केस किया नगर निगम के ऊपर कि भाई, आपको बहुत दिनों से कह रहे हैं कि कला भवन से लेके आरंसा चौक की सड़क, जो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, उसको बनवा दिया जाए, किंतु आप लोगों इस पर कोई ध्यान नहीं देते। यह आवेदन दिया गया लोक अदालत में। लोक अदालत ने उनको नोटिस किया, लेकिन नोटिस के बाद भी उन्होंने आना उचित नहीं समझा। अंत में लोक अदालत के जज ने एक तरफा आदेश पारित किया कि आपको 2 महीने का समय दिया जाता है, इस 2 महीने में आप सड़क को बना दें, अन्यथा आपके तनख्वाह से 50,000 रुपया प्रति माह काट लिया जाएगा जब तक कि सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है। इस आदेश के पारित होने के बाद भी महीना गुजर गया, उन लोगों ने न तो सड़क बनाया, न फाइन जमा किया। अंत में हम लोगों को एग्जीक्यूशन में जाना पड़ा और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर सब जज वन नवीन कुमार वर्मा के पास चला गया, श्रीवास्तव जी के पास। तो श्रीवास्तव जी ने उसमें फिर से एक बार नोटिस दिया है कि आप स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। इतना दूर तक तो क्या लगता है कि नगर निगम कहीं ना कहीं लगता है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो काम होना चाहिए, उसको नज़रअंदाज करते आ रही है? नज़रअंदाज करने के कारण ही न जाना पड़ा सामाजिक कार्यकर्ता को आगे बढ़ करके और उसके बाद कोर्ट ने भी इस बात को समझा कि हाँ, वास्तव में वो सड़क का बहुत इम्पोर्टेंस है। उस होकर करके तमाम अफसर क्लास के लोग भी आया जाया करते हैं, आम जनता तो आती ही है, फिर भी नगर निगम उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तभी ऐसा आदेश पारित हुआ। ये लगता नहीं है सर, क्या कहता है, ये पहला मामला होगा इस नगर निगम को लेकर, जब से पूर्णिया नगर निगम बना है तब से ये पहला मामला होगा कि नगर आयुक्त पर कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की और जुर्माना मुआवजा भरने का क्या कहता आदेश दिया है। जी, ये मेरे कम से कम मेरा 72 वर्ष होने जा रहा है और वकालत का भी 42 वर्ष हो रहा है, लेकिन इस 42 वर्षों के दरमियान हमने नहीं देखा कि कोई नगर निगम इस प्रकार से न्यायालय के आदेश की अवहेलना करता है। ये पहला मौका है जो न्यायालय ने इस कार्य के लिए आदेश भी जारी किया और आगे की कार्यवाही भी जारी है। ये आप लोगों की जीत हुई, क्या कहता है कि नगर निगम पे आप लोगों ने इस तरह का क्या कहता है काम किया, जनहित के लिए काम किया, तो ये आप अपनी जीत मानते हैं? बिल्कुल जीत मानते हैं, और उस दिन पूरी जीत मानेंगे जिस दिन कि वो सड़क बन जाएगा, और सड़क नहीं बनेगा तो उन पर फाइन जो निर्धारित किया गया है वह लग जाएगा। ये थे दिलीप कुमार दीपक जी, जिन्होंने याचिका दायर किया था। गौतम वर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, इन्हीं के PIL पर क्या कहता है जो कोर्ट है वो कार्रवाई किया है।
एक्सक्यूशन पिटिशन में हम लोगों ने दिया है, वो प्रावधान है कि उनकी गाड़ी को और उनके चैम्बर को सीज किया जाए, हम लोगों ने प्रे किया है, तो माननीय न्यायालय ने उसको जो है कोर्ट को नोटिस किया है इस पर, और ये तो होना ही है। और हम लोगों की पहली प्राथमिकता ये है कि जनहित के मामलों को लेकर हम लोगों ने मामले माननीय न्यायालय में जाना पड़ा। ये दुख का विषय है कि बार बार पदाधिकारी पास जाने के बावजूद ये काम नहीं हो सका जनहित का, तो हम लोग माननीय न्यायालय में गए और माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरतापूर्वक लिया और उसके बाद नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद जो है उन्होंने आदेश जो पारित किया, उसमें आदेश में ये स्पष्ट रूप से लिखा कि नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वो उदासीन हैं। जरा वो नोटिस दिखाएंगे तो, जो ऑर्डर आया, ऑर्डर शीट था दिखाएंगे, हम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि जो ऑर्डर शीट आया है वो ऑर्डर शीट को देखा जाए। इस ऑर्डर शीट के ये जो लास्ट पेज है उसमें आप देखेंगे कि स्पष्ट दिया हुआ है कि यदि विपक्षी 60 दिनों के अंतर्गत इसका निर्माण करने में असफल रहते हैं तो वह 50,000 रुपये प्रतिमाह निर्माण होने तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया में दंड स्वरूप जमा करेंगे। तो क्या सर ये जो मुआवजा की जो जांच ये जमा करने का था, क्या नगर आयुक्त के द्वारा जमा किया गया? नहीं, ये रुपया नहीं जमा हुआ, तो ये तो माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। तो अब न्यायालय को इसमें सोचना है कि न्यायालय क्या करने जा रही है कार्रवाई। हम लोगों ने तो प्रे किया है उनके चैम्बर को, उनके गाड़ी को सीज किया जाए और इस सड़क का निर्माण कराया जाए। क्या पूर्णिया नगर निगम आपको लगता है कि जो जनहित की कार है वो शिथिलता है उसमें, वो जनहित की कार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये तो माननीय न्यायालय ने ही अपने आदेश में दे दिया है कि नगर निगम जो है उदासीन है, पूर्ण रूप से लापरवाह है ना, इसको जनता से कोई मतलब नहीं है ये निगम। ये माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में ये चीज़ लिख दिया है, ये कितना बड़ा दुखद बात है। और उस पदाधिकारी के अभी कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है, माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना लगातार की जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रहा है और पदाधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। गौतम वर्मा है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं और इन्होंने कहा है कि जो कोर्ट में PIL दर्ज किया उसमें प्रे किया है कि उनके जो चैम्बर हैं और उसके जो गाड़ी है उसको जब्त किया जाए, जब तक कि जनहित के जो मामले में जो सड़क है वो नहीं बनता है तब तक इसको जो नगर आयुक्त है उसको सजा के तौर पर ये गाड़ी और उनका चैम्बर को सील किया जाए। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेजिडेंशियल स्कूल, CBSE अफिलेटेड, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका। 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।